नमस्कार प्यारे दर्शकों, दबंग खटाना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दबंग खटाना न्यूज़ चैनल की जो भी अपडेट आती है वो एकदम से सही, सरल और सटीक जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राजस्थान सरकार में नए नए मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ साथ में दो दो डिप्टी सीएम यहाँ पे लगाए गए हैं। एक हैं दिया कुमारी जो राजपूत समाज से हैं, तो दूसरे दलित समाज से बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को, वो भी यहाँ पे डिप्टी सीएम है। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज को हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान सरकार में कौन कौन व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद में यहाँ पर अब कुल 20 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में वैसे 30 मंत्री का यहाँ पर कोटा है, उसमें से 3 मंत्री तो यहाँ पर बन गए हैं, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। बाकी बचे 27 मंत्रियों की नियुक्ति बहुत जल्द हो सकती है, जिसमें से करीब 20 मंत्रियों की नियुक्ति अभी हो सकती हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आज मंत्रियों की संभावित लिस्ट। राजस्थान में गृह मंत्रालय का पद बाबा बालकनाथ को यहाँ पे सौंप सकते हैं, जिनका पहले सीएम की रेस में नाम चल रहा था लेकिन उन्होंने ही खारिज कर दिया था, लेकिन उनको अब यादव समाज को खुश करने के लिए बाबा बालकनाथ को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री भजन लाल के पास में भी रह सकता है। बाबा बालकनाथ के बाद में दूसरे बाबा आते हैं जो मीणा समाज में पकड़ रखते हैं, आदिवासी समाज के नेता हैं और पूर्वी राजस्थान में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती हैं, वो हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इनको भी यहाँ पर मंत्री तो बनाया जाएगा और कैबिनेट मंत्री में इनको शामिल किया जाएगा। हो सकता है इनको भी एक अच्छा पद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बना करके बीजेपी पार्टी ने और मोदी ने सबको चौंका दिया है। इसी प्रकार से नए मंत्रियों की नियुक्ति कर भी सबको चौंकाया जा सकता है। एक बार फिर से जो अब हम आपको दिखा रहे हैं 20 संभावित मंत्रियों के नाम, वो भी मुख्यमंत्री के साथ साथ में ही शपथ ले सकते हैं 15 दिसंबर को। जो 20 संभावित मंत्री बनाए जाएंगे उनमें 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हो सकते हैं। ज़्यादातर मंत्री उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो आरएसएस संघ से जुड़े हुए आदमी होंगे और पार्टी संगठन में काम कर लिया है। वैसे ज़्यादातर गृह मंत्रालय का बाबा बालकनाथ को गृह मंत्रालय यहाँ पर दिया जा सकता है, या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी यहाँ पे दिया जा सकता है। वैसे पिछले बीजेपी सरकार में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा थी तो गृह मंत्रालय वसुंधरा के पास में ही रहा था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समाज के लीडर हैं, बीजेपी पार्टी में वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस सरकार में पुरजोर तरीके से इन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। जैसे पेपर लीक का मामला हो या कोई घोटाला हो तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन भी किए हैं। मीणा वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ है, दो बार लोकसभा सांसद रहे, एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और वसुंधरा सरकार में खाद्य मंत्री भी रहे हैं। बाबा बालकनाथ हिंदूवादी राष्ट्र छवि के नेता हैं, नाथ संप्रदाय के बड़े मठ के मठाधीश हैं बाबा बालकनाथ, पहले सांसद और अब विधायक हैं। करीब 35 से ज़्यादा विधायकों के यहाँ पर मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। उनमें सबसे आगे जो विधायक मंत्री पद की रेस में चल रहे हैं उनमें बाबा बालकनाथ, बाबा किरोड़ीलाल मीणा, महंत प्रतापपुरी, विश्वराज सिंह मेवाड़, जेठानंद व्यास, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र गोठवाल, जाबर सिंह खर्रा, नोक्षम चौधरी, दीप्ति किरण माहेश्वरी,
अनीता भदेल, नगर से जवाहर सिंह बेडम, अंसराज पटेल और उदयलाल भडाणा, ये तीनों ही गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जवाहर सिंह बेडम, अंसराज पटेल और उदयलाल भडाणा, ये तीनों गुर्जर समाज से आते हैं। जगत सिंह, पबाराम बिश्नोई, हीरालाल नागर, बहराराम चौधरी, लालाराम बेरवा, संजय शर्मा, गोपाल शर्मा, लादूलाल पितलिया, जयदीप बिहाणी और ताराचंद जैन, इन सभी विधायकों के नाम प्रमुख दावेदारों में हैं। यहाँ पे 3 से 4-5 के लगभग महिला मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। यहाँ पे 3 से 4 महिला मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकती हैं। इस बार बीजेपी ने केंद्र में महिला आरक्षण का बिल भी पास करवाए हैं, जो अभी लागू नहीं है, बाद में लागू होगा। लेकिन मैसेज देने के हिसाब से महिलाओं को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है और महिलाओं की मंत्रिमंडल में बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना करके महिलाओं को तवज्जो दी जा चुकी हैं और भी दी जाएगी। महिलाओं में बनने वाली मंत्री मुख्य रूप से ये चल रही हैं, नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल, नौक्षम चौधरी, सिद्धि कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछली बीजेपी की वसुंधरा सरकार में किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल और कमसा मेघवाल को मंत्री बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी संख्या बढ़ाई जा सकती है। नौक्षम चौधरी का महिला मंत्रिमंडल में नाम इसलिए लिए जा रहा है क्योंकि गहलोत सरकार में जाइदा खान मंत्री थी और ये दलित वर्ग से आती हैं। नौक्षम चौधरी, इन्होंने जाइदा खान को हरा करके चुनाव जीता है, तो यहाँ पर इनका मंत्री बनना लगभग तय है। दीप्ति किरण माहेश्वरी, पिछली वसुंधरा सरकार में किरण माहेश्वरी मंत्री थी, ये उन्हीं की बेटी हैं और अब दूसरी बार विधायक बनी हैं। वैसे समाज से प्रमुख चेहरा हैं। मेवाड़ और बागड़ की अकेली महिला विधायक भी है। अनीता भदेल ने विपक्ष में रहते हुए महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लगातार आंदोलन किया था और कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरती रही। वसुंधरा सरकार में ये महिला बाल विकास मंत्री रही थी। वसुंधरा की बीजेपी सरकार में अनीता भदेल ने डायन प्रताड़ना विरोध कानून लागू किया था। दलित समाज में और अच्छी पकड़ करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी और एक दो तीन मंत्री यहाँ पर भी बनाया जा सकते हैं दलित समाज से भी। अब की विधानसभा 2023 में 16 विधायक दलित समाज से आते हैं, उनमें से एक को मंत्री बना दिया है डिप्टी सीएम, लेकिन और को भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, जिनमें जितेंद्र गोठवाल और मदन दिलावर का नाम यहाँ से प्रमुख रूप से चल रहा है। जोगेश्वर गर्ग तीसरी बार विधायक बने हैं, आरएसएस की पसंद भी हैं और बीजेपी पार्टी में लंबे समय से कार्य भी कर रहे हैं। बीजेपी के दलित चेहरों में प्रमुख रूप से इनकी गिनती की जाती है। मदन दिलावर पिछली बार 2 बार मंत्री रह चुके हैं और पार्टी का हिंदूवादी चेहरा है। जितेंद्र गोठवाल खंडार से विधायक बने हैं दूसरी बार, पिछली वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए गहलोत सरकार की जमकर विरोध किया है और दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन भी किए हैं। इसी सिलसिले में जेल भी गए हैं और आरएसएस से जुड़े भी हैं और बीजेपी एससी मोर्चा में भी ये सक्रिय रहे हैं। लालाराम बैरवा शाहपुरा से बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को हरा कर पहली बार विधायक बने हैं। राजपूत समाज से 17 विधायक मंत्री की रेस में दावेदारी ठोक रहे हैं। राजपूत समाज बीजेपी का वोट बैंक रहा है। पिछले चुनावों में राजपूत समाज की अनदेखी को देख राजपूत समाजों की नाराजगी से बीजेपी ने हार का सामना किया।
इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 17 विधायक राजपूत समाज से चुनकर आए हैं। राजपूत समाज से प्रमुख विधायकों को मंत्री बनाकर राजपूत समाज में पकड़ रखने के मैसेज दिया जा सकता है। इनमें प्रताप पुरी पश्चिमी राजस्थान का बड़ा हिंदूवादी चेहरा है। पश्चिमी राजस्थान में अच्छा प्रभाव है और पहली बार विधायक बने हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको हरा करके ये पहली बार विधायक बने हैं और महाराणा प्रताप के वंशज से जुड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुष्पेंद्र सिंह राणावत 6 बार के विधायक हैं और साफ सुथरी छवि के ये माने जाते हैं। सिद्धि कुमारी 4थी बार विधायक बनी है। बीकानेर राजघराने की महिला सदस्य हैं। स्थानीय सियासत में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ से विधायक बने हैं और मेवाड़ में पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। राजपूत समाज में इनका अच्छी खासी पकड़ है और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, फिर भी कई विधायक मंत्री की दावेदारी जता रहे हैं। इनमें जेठानंद व्यास और संजय शर्मा का नाम प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल में चल रहा है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके ब्राह्मण समाज में मैसेज दिया गया है। ब्राह्मण समाज के इस बार 12 विधायक चुनकर आए हैं। सीएम बनने के बाद भी कई विधायक मंत्री बनने की दावेदारी जता रहे हैं। जेठानंद व्यास का मंत्री बनना इसलिए तय माना जा रहा है कि गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को इन्होंने हराया है और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक बने हैं और पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। गोपाल शर्मा सिविल लाइन से विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। 1992 में राम मंदिर राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है। गोपाल शर्मा ने राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी विध्वंस के अनुभवों पर कार सेवा से कार सेवा तक किताब लिखी है। BHU से पढ़े हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान में विपक्ष में थे उस समय से ये उनके नज़दीकी रहे हैं। यहीं से वे नरेंद्र मोदी के संपर्क में भी आए। संदीप शर्मा कोटा से विधायक बने हैं। हाड़ोती में पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नज़दीकी है। 12 जाट विधायकों में कई विधायक मंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। किसान वर्ग को साधने के लिए जाट नेताओं को भी मंत्री बनाया जाना जरूरी है। बीजेपी पार्टी के 14 विधायक इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। किसान वर्ग को साधने के लिए और लोकसभा चुनाव से पहले जाट वर्ग को साधने के लिए मंत्री बनाए जाएंगे। जाट विधायकों में जाबर सिंह खर्रा और बहरा राम चौधरी सियोल, सुमित गोदारा और अजय सिंह किलक के नाम शामिल हैं। बहरा राम चौधरी सियोल से ओसिया से विधायक हैं। दिव्या मदेरणा को इन्होंने हराया है। दूसरी बार विधायक बने हैं। वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और पार्टी में मारवाड़ में पार्टी के प्रमुख जाट चेहरा भी हैं। अजय सिंह किलक दूसरी बार विधायक बने हैं। वसुंधरा सरकार में पहले सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। नागौर में बीजेपी से जुड़े जाट नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। इनके पिता रघुनाथ चौधरी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और बहन बिंदु चौधरी नागौर की जिला प्रमुख रही हैं। जाटों के अलावा दूसरी जातियों से भी दावेदारी ठोकी जा रही है मंत्री बनने के लिए। उनमें हैं बिश्नोई कलवी पटेल धाकड़ नागर आदि समाज से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जवाहर सिंह बेडम जो गुर्जर समाज से बिलोंग रखते हैं नगर विधानसभा से विधायक बन करके आए हैं। जवाहर सिंह बेडम पहली बार विधायक बने हैं। भरतपुर ज़िले में पार्टी के गुर्जर नेताओं में प्रमुख भरतपुर ज़िले में बीजेपी पार्टी में गुर्जर चेहरे की पहचान है। गुर्जर समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला के प्रमुख सहयोगी रहे हैं और वार्ता भी
सरकार से वार्ता करने के लिए पटरी से लेकर सरकारी वार्ताओं तक आंदोलन में प्रमुख भूमिकाओं में ये शामिल रहे हैं। हंसराज पटेल पहली बार विधायक बने हैं। गुर्जर समाज में इनका खासा प्रभाव है। यहाँ से संसदीय सचिव रह चुके रामस्वरूप कसाना ने इनको समर्थन दिया है। पबाराम बिश्नोई फलोदी से तीसरी बार विधायक बने हैं। पहले सेना में थे, बाद में ये टीचर बने। टीचर में हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए और साल 2013 में पहली बार बीजेपी से विधायक बने। बिश्नोई समाज के प्रमुख चेहरों में इनकी गिनती होती है। हीरालाल नागर किसानों में अच्छा प्रभाव और दूसरी बार विधायक बने हैं। उदयलाल भडाणा ये मांडल से विधायक बने हैं। किसान जातियों में अच्छा प्रभाव और पहली बार विधायक बने हैं उदयलाल भडाणा। इनका भी मंत्री बनना तय है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बाप पार्टी का बढ़ता हुआ कारवा को रोकने के लिए आदिवासी समाज से भी मंत्री बनाए जाने की पूरी पूरी संभावना है। मेवाड़ और आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन आदिवासी पार्टी ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहां से लगातार उस क्षेत्र में बा पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया है और इस बार 3 विधायक बने हैं। आदिवासियों में पकड़ को कमज़ोर करने के लिए, बा पार्टी को कमज़ोर करने के लिए वहाँ भी मंत्री बनाया जाना संभव है। फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं और बीजेपी के प्रमुख आदिवासी नेताओं में इनकी गिनती होती है। शंकरलाल डेचा उदयपुर से एकमात्र विधायक हैं, सांगवाड़ा सीट से जीते हैं और बीटीपी बीएपी के प्रभाव को देखते हुए इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कैलाश मीणा बांसवाड़ा की गढ़ी सीट से पहली बार विधायक बने हैं। बीटीपी बीएफ की प्रभाव को काउंटर करने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है कैलाश मीणा को। वैश्य वर्ग को साधने के लिए भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैश्य वर्ग से 8 विधायक हैं बीजेपी के और वैश्य वर्ग को पार्टी का अच्छा और खासा बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इस समाज से किरण दीप्ति माहेश्वरी के अलावा 3 और महिलाओं के नाम चर्चा में हैं। और जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है और जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है उनको संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट किया जा सकता है। जिन इलाकों से मंत्री नहीं बन पाए विधायक उनको संसदीय सचिव बना करके संतुष्ट किया जा सकता है। और तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये दबंग खड़ा न्यूज चैनल का ये मंत्रिमंडल का संभावित वीडियो? देखते हैं अब इनमें से जो हमने नाम बताए हैं संभावित मंत्रियों के नाम, उनमें से कितने लोगों को तवज्जो मिलती है, कितने का नाम इसमें से आता है और कितने का नाम नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। हमने पहले ये भी बताया था कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं मोदी। जो हमने बताया था कि राजस्थान में एक सीएम के साथ में दो दो डिप्टी सीएम भी लगाए जा सकते हैं, आखिर हुआ भी ऐसा ही। राजस्थान में एक सीएम के साथ दो दो डिप्टी सीएम भी लगाए हैं, जो भजन लाल सरपाया पे मुख्यमंत्री हैं तो दिया कुमारी और भजन और प्रेमचंद बेरवा को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। जो हमारी बात एकदम से सही निकली। तो दबंग खटाना न्यूज़ की जो भी बात होती है वो आप तक एकदम से सही सरल सटीक जानकारी पहुँचाता रहता है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपकी कोई और भी राय हो तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।